है भाई, खतरनाक एडवेंचर है एक अदद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ट्विन टावर में, ट्विन टावर की पहली पार्किंग, जो पहला पार्किंग का फ्लोर है, इट्स ऑलरेडी मेड। और यहाँ से वेस्ट से क्या खूबसूरत हवा आ रही है। और जब से इसका इसकी एक्सकेवेशन हुई थी उस दिन से लेके अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब चूंकि पार्किंग ख़त्म होने के बाद 7वें फ्लोर से इसके अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए हैं, तो उसके बारे में और स्टार्ट से बिल्कुल इस बिल्डिंग में क्या कंस्ट्रक्शन का लेवल और क्या स्पीड है उसके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो आ जाइए। ये डोमिनियन ट्विन टावर की एक्चुअल साइट है जी, बिल्कुल बहरिया हॉस्पिटल के सामने, प्रेसेंट 19 में थीम पार्क कमर्शियल के सामने। अगर आप पहली दफ़ा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, तो ये ऊपर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 4 साल का प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 30 ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर इसके दुकानें हैं। ये मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ, नीचे मॉल है और बेसमेंट में 2 स्टोरी की पार्किंग है। इसके मॉल के ऊपर 4 स्टोरी की पार्किंग है और 7वें फ्लोर से अपार्टमेंट शुरू होते हैं। 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन रेट रिवाइज हो चुका है। ये उसकी बैक साइड है। 2 एंट्रेंसेज होंगी, एक बेसमेंट में जाएगी सामने से हॉस्पिटल वाली साइड से, वो मॉल के लिए होगी, और ये जो एंट्रेंस है ये सीधी ऊपर वाली पार्किंग में जाएगी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, डेडिकेटेड पार्किंग। लोकेशन इज़ वेरी गुड, सराउंडेड बाय ऑल द एमिनिटीज़। बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, और इसके लेफ्ट साइड पे चेज़अप मॉल आ रहा है। ये लेफ्ट पे जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये पूरे आबाद हैं 100%। ये प्रोजेक्ट जी मैं सबसे हाईली रिकमेंडेड है। रेट चूँकि रिवाइज हो चुका है, यहाँ पे अगर आपको शॉप्स चाहिए मिल जाएंगी, 80% शॉप्स आर सोल्ड आउट। अपार्टमेंट चाहिए तो नए रेट पे मिलेंगी, 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट पे। पुराने रेट पर भी मिल सकता है अगर आप 6 से 7 इंस्टॉलमेंट्स साथ पे कर दें तो, और इस रेट पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। हाईली रिकमेंडेड, इम्तियाज़ के पास, मेन मार्केट के पास, हॉस्पिटल के पास, थीम पार्क के सामने, इससे बेहतरीन लोकेशन कोई नहीं है। थीम पार्क कमर्शियल एक ह्यूज कमर्शियल बनने जा रहा है आइंदा आने वाले सालों में। तो वही मुश्किल रास्ते, शटरिंग हुई हुई है, यहाँ से कैसे जाना है, शटरिंग हुई है और एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन जाना ऊपर है, ऊपर जाना खासा मुश्किल है, लेकिन जाना तो है इंशाल्लाह। ओके, होप नजर आई है, ये देखें, और ऊपर छत भी नजर आई है। ये ऐसे 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 ये देखें जी, वाह, ये आप देख लीजिए जी, 8वें फ्लोर पे इस वक्त काम हो रहा है। आप व्यू देख सकते हैं, आप काम की स्पीड देख सकते हैं, आप अमाउंट ऑफ लेबर और अमाउंट ऑफ वर्क देख सकते हैं। नीचे स्टील एडवांस, ऊपर छत पे भी स्टील मौजूद है। बैचिंग प्लांट डोमिनियन का अपना है। ये आपको इस जगह पे से सराउंडिंग्स नज़र आ रही हैं, वो देखें, वो इम्तियाज़ है। और ये क्रेन एक्सकेवेशन से लेके आज तक यहीं लगी है, क्योंकि ये डोमिनियन बिल्डर्स की अपनी क्रेन है। और उस सामने वाले फ्लोर की हम बात करेंगे, उस सामने जो शटरिंग हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा ईस्ट साइड पे दिखा दूँ, लेफ्ट साइड पे क्या खूबसूरत मंजर है।
ये सामने जो आप बैचिंग प्लांट देख रहे हैं, ये डोमिनियन का बैचिंग प्लांट है। वो पीछे इम्तियाज़ नज़र आ रहा है आपको, उसके पीछे क्लब है, उसके पीछे फार्म हाउसेज हैं, नाइट सफारी है, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे कि वो पेट्रोल पम्प है राइट साइड पे, मैं भूल जाता हूँ। इतनी ज़्यादा सराउंडेड सराउंडेड बाय एमिनिटीज़ कि मैं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करना भूल जाता हूँ। ये वो फ्लोर है जहाँ से पहला अपार्टमेंट का फ्लोर बनना शुरू हुआ है, यानी ये वो सातवां फ्लोर है, ये देखिए। तो मैं चूँकि वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाके आपको व्यू दिखाता हूँ कि फ्रंट का व्यू कैसा है, जो शक्ल दिखा के हमने बेचा है वो निकलेगी क्या अल्टीमेटली। आ जाइए, भाई खतरनाक एडवेंचर है एक अदद। और ये वो पहली छत जो किसी भी अपार्टमेंट लेने वाले को मिलेगी, आई एम हैप्पी टू शो यू दैट। ये वो पहली छत है जो रेजिडेंशियल एरिया की पार्किंग के बाद डल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक खतरनाक काम कर रहा हूँ, बगैर हेलमेट के मैं घुसा हूँ यहाँ पे, विच इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो मेरे सामने व्यू है, कैमरा टिल्ट करते हैं और उधर की बात करते हैं। तो ये वो व्यू है, और ये जो पहले अपार्टमेंट से ऊपर तक जो लोगों को मिलने वाला है, सोचिए ये सातवां या आठवां फ्लोर है, इसके ऊपर जो 30th फ्लोर तक व्यू जाएगा वो क्या खूबसूरती पेश करेगा। ये तमाम अपार्टमेंट आबाद हैं, 3 बेड 2 बेड 4 बेड। यहाँ पर अपार्टमेंट 2 बेड 70 से 80 लाख रुपए का हो गया है, सामने 3 बेड अपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपए का हो गया है, और 4 बेड अपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए का हो गया है। जबकि अभी भी आपको ट्विन टावर या और इस तरह के इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में आपको 70-80 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स पे 2 बेड मिल रहा है इससे बड़ा, और 3 बेड आपको मिल जाता है जी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, और इसी तरह 4 बेड थोड़ा सा और ऊपर। अगर ये मेरे नंबर ऊपर मौजूद है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें लेनी है तो अमीर आदमी कैन गिव यू द बेस्ट इन्वेंट्री। थोड़ी इन्वेंट्री है, कुछ बेहतर चीज़ें मौजूद हैं, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए इंस्टॉलमेंट्स पे, और मर्जिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई डिस्प्यूटेड फाइल है, वी कैन मर्ज इट। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है आपसे हमेशा कि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जो भी चीज़ अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से आपको मार्केट की जाएगी, सेल की जाएगी, उसको थ्रू आउट टिल द एंड हम अपडेट करते रहेंगे। तो ये थी आज की अपडेट, लेटेस्ट। आज से एक दो माह के बाद एक भरपूर प्रोग्रेस के साथ दोबारा आते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। और अब बाहर जाना भी उतना ही मुश्किल है, ऑब्वियसली ऊपर चढ़े थे तो नीचे भी उतरना है, बगैर सोचे समझे चढ़ गए थे ऊपर। तो प्रे फॉर मी, अल्लाह।